नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव के न्यूज सेक्शन में, जहां हम आपको बताएंगे आज की टॉप 10 खबरें बस दो मिनट में। दिल्ली के चार दिवस दौरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की दोपहर पटना लौट आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने 1 फरवरी को पहुंचे थे। पटना में भाभी से अवैध संबंध में प्रोफेसर के छोटे भाई और मनचेट नेवी में काम करने वाले वीरेंद्र राम ने ही उनकी हत्या करवा दी। 2 लाख रुपए में सुपारी किलरों से वारदात को अंजाम दिलवाया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में फिर स्पष्ट किया कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरोगा बहाली के रिजल्ट की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए कई लोग मंगलवार को सड़क पर उतर आए। पटना में साइंस कॉलेज से जुलूस निकाला, कोचिंग बंद कराए, जिसे देखते हुए पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। समस्तीपुर शहर के गोला रोड में मंगलवार देर शाम बाइक सवार दो अपराधियों ने मोबाइल व्यवसायी के कर्मचारियों से पिस्तौल की बदौलत 3 लाख रुपए लूट कर हो गए फरार। लखीसराय जिले के हसली थाना क्षेत्र के राता गांव में नाबालिग लड़के की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मोबाइल के कवर को लेकर दोस्तों के बीच सोमवार देर शाम विवाद उत्पन्न हुआ था और ये विवाद मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया। अनन्या पांडे ने सारा अली खान के गाने आंख मारे पर डांस किया, फैंस को बेहद पसंद आ रहा है वीडियो और ये वीडियो होते जा रहा है वायरल। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा दान डो स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित के खिलाफ जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे रिलीज किए जाने पर रोक लगाने और इसके कुछ दृश्य हटवाने की मांग की गई। अरमान जैन की डिस्ट्रक्शन पार्टी में जमकर नाचते दिखे शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। करीना कपूर के भाई अरमान जैन की वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे बॉलीवुड सितारे। मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर के साथ साथ रणबीर कपूर आलिया भट्ट की जोड़ी ने दिल जीता। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप 10 खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।